कैसे लगाना कहाँ आई के घर मुकदस कौन है मेरी ठहर के भी बात कर लो मजार है बहुत मजार है आपको तो आएगा मुकदस इधर आना वरा। तो कैसे आप सब इस उम्मीद से आप सब कैरियर से होंगे तो जी आज हम अब पहुंच चुके हैं अपने ससुराल यानी कि मेरे ससुराल और जो मेरे हस्बैंड के ससुराल वाले हैं वो बेचारे कॉल्स पे कॉल्स करके ना बहुत ही परेशान है बट हमने कहा अभी हम इधर इंजॉय कर रहे हैं तो उनकी तरफ बाद में जाएंगे और उन्हें बाद में रिप्लाई करते हैं तो जी यहाँ पे हम आए हुए हैं बाहर हमारे बच्चे यहाँ पे आके बहुत यहाँ पे आके बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं और ख़ुश होते हैं काफ़ी खुला इनको एरिया मिल जाता है भागने और खेलने के लिए और माशाला से बहुत ही ज़बरदस्त एरिया होता है फ्रेश एयर होती है तो हम दोनों भी बाहर आए हुए हैं बच्चे बाहर थे तो हमने कहा हम भी बाहर जा चेक कर लेते हैं और यहाँ पर जी मेरे हस्बैंड मुझे दिखा रहे हैं कि मतलब ये क्या क्या चीज़ें हैं उनके बारे में ज़रा मुझे इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और ये जो चीज़ थी ये मुझे दिखा रहे थे कि इसे यूज़ करने से ना वेट लॉस होता है मतलब इसको ऐसे ही इसके पत्ते खाने चाहिए जब मैंने इनसे लेके टेस्ट किया तो फिल्ला पता नहीं उसके कितने कितने जायके थे <laughs> लेकिन अच्छा लगा मुझे भी तो ये मुझे मेरे हस्बैंड इन सब चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं क्योंकि मुझे नहीं पता होता ये क्या चीज़ें हैं किस तरह हैं तो बहरल बहुत ही अच्छा लगता है इधर आके थोड़ा ये टाइम होता है जहाँ जो हम यहाँ पर आके अपनी फैमिली के साथ ज़रा खुशी खुश तो होते हैं घर में ही भी बट ज़रा एक थोड़ा रिलैक्स और फ्री होते हैं हस्बैंड भी तो अच्छा सा फील होता है हम लोग अच्छा इंजॉय करते हैं इधर तो जी अब यहाँ पे जी इंफॉर्मेशन चल रही हैं और इंफॉर्मेशन पे इंफॉर्मेशन मिल रही है जो बाद में हर दफ़ा पूछती हूँ बाद में जाके दोबारा वही चीज़ पूछती हूँ सच में मुझे भूल जाती है कि वो क्या चीज़ होती है तो जी बस ये ऐसे ही अब ये हम बाहर आए हुए हैं और इधर से जी अब थोड़ा सा घूम के हम जा रहे हैं मेरी नंद के घर क्योंकि मेरी नंद ने हमें इन्वाइट किया हुआ था और हर बार हम आते हैं वो हमारे जो मेरा ससुराल है उससे थोड़ा दूर है तो वहाँ हम जा नहीं सकते बस उधर ही हम मिल लेते थे लेकिन इस बार हम घर से ही सोच के आए थे कि भाई हमने आज इस बार उनके घर जाना है उन्होंने हमें खाने पे इनवाइट किया हुआ था और जी बस अब उधर जाने लगे हैं और जाके हम वहाँ पर मिलते हैं यहाँ जी जिसवानना बन रहा है और ये हमारे लिए पकाया भी जाएगा और इसमें से जो कुछ हाफ़ है वो हम साथ लेके जाएंगे क्योंकि ये घर का है तो फ्रेश होता है इसलिए हम यहाँ से लेके जाते हैं उनसे उधर मार्केट से मिल जाता है लेकिन ये हमें पता होता है कि ये फ्रेश है तो इसलिए हम घर का ही जब आते हैं तो इधर से लेके जाते हैं तो जी अब ये यहाँ पे बना रहे हैं इसको मुझे बनाना नहीं आता इसके वो बड़े बड़े से लंबे से पत्तों के साथ डंडों के साथ इसको तोड़ा जाता है जो इसके होते हैं और उसके साथ इसकी सेटिंग मतलब किस तरह इसको करते हैं जैसे ये कर रही हैं तो ये मैंने इसलिए वीडियो शूट कर लिया कि इसको इस तरह से साफ़ करते हैं और बस जब भी मैं आती हूँ तो यहाँ से ये मुझे बना के देते हैं तो मैं साथ ले जाती हूँ और फिर घर जाके बस पकाना आ जाता है कि इसको पकाना कैसे है बस ख़त्म तो एन्जॉय करते हैं फ़्रेश होता है तो इसलिए इनसे ही बनवा के इधर से मैं लेके जाती हूँ अब ये जी इसमें से हाफ़ वो हमारे लिए यहीं पर अभी रेडी कर रहे हैं जो हमने खाना खाना है और हाफ़ जो था वो हम साथ ले जा रहे हैं तो बस घर की जो चीज़ें होती हैं वो पता होती है फ़्रेश भी है मार्केट से मिलती हैं बट वो चीज़ हमें इतना मतलब आइडिया नहीं होता कि वो किस तरह है और यहाँ से सबसे बड़ी बात यह कि जो जब जब ये होता है ना घर से लेके जाती हूँ तो ये मुझे सेट भी करके दे देते हैं तो इसलिए मुझे इतनी ज्यादा इसके ऊपर मेहनत भी नहीं करती करनी पड़ती तो जाती हूँ तो बस जाके उसको मैं बना लेती हूँ अगर मैं मार्केट से मंगवाऊँ तो फिर इसको इसके काफ़ी मराहल होते हैं इसको साफ़ करना और जिस मैंने वीडियो में आपको दिखाया आई होप को आप आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे अगर पसंद आ रहे हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा जो कि आप बहुत कंजूसी करते हैं लाइक करने में जी यहाँ पे मेरे हस्बैंड बना रहे हैं तंदूर पे पहली दफा रोटी और देखते हैं जी अब इनका क्या बनता है कि ये रोटी लगा भी सकते हैं या नहीं लगा आप क्या कर रही हो ये बना रहे हैं जी अब लगेगी तंदूर में मुझे बनानी नहीं आती लगाए लगाए <laughs> ये अब ना तो लिया लगानी नहीं आ रही लगाए <laughs> <laughs> अब क्या हो गया <laughs> <laughs> यहाँ <laughs> <laughs> पे जी वो रोटी जो मेरे हस्बैंड बना रहे थे वो लगाई है मेरी नंद ने क्योंकि इनसे लग नहीं पाई और हमारे लिए खाना हो चुका है रेडी और जो ये स्वाजना गोश्त बनाया है उन्होंने बहुत ही यमी बना हुआ है बहुत टेस्टी होता है ये तो जी अब यहाँ पे मैं वीडियो शूट कर रही हूँ और मेरे हस्बैंड जो है उन्होंने बच्चों को और सबको मतलब ये खाना देना स्टार्ट कर दिया उनका कि आप अपना व्लॉग कंप्लीट कर लें और जी अब यहाँ पे जी एक और मज़े की बात ये है कि जब हम यहाँ पे बैठे खाना खा रहे थे ना आगे आप देखिएगा लड़ाए खाने में माशाला बहुत ही बिजी है और उसे पता नहीं है कि मतलब आस पास क्या हो रहा है वो बेचारी बड़े मज़े से उसे क्योंकि ये यम लग रहा है और वो खा रही है और साथ ही पीछे से ना बिल्ली आराम से देखें किस तरीके से महारत से उसके साथ पीछे चढ़ रही थी तो हमने उसे हटाया और ला आपको कोई खबर ही नहीं है कि मेरे साथ क्या हो रहा है तो जी खाना खाने के बाद यहाँ पे हो रही है हमारे लिए चाय रेडी तो ये भी मैंने थोड़ी सी शूट कर ली कि यहाँ पे चाय बन रही है और इसके साथ ही इधर बैठे मेरे हस्बैंड गना इंजॉय कर रहे हैं तो यहाँ पे मैं अपने व्लॉग का एंड करूँगी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज